नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल ओनली अवन में आपका स्वागत है। दोस्तों, व्यूवर्स की डिमांड भी है और त्यौहार भी आ रहे हैं, तो आज हम एक बहुत ही सिंपल और सबके पसंदीदा मावा की डबल लेयर चॉकलेट बर्फी माइक्रोवेव में बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। शुरू करते हैं अवन के कुछ बेसिक टिप्स के साथ। सिर्फ माइक्रोवेव सेफ ग्लास, प्लास्टिक या सिरामिक के बर्तन ही इस्तेमाल करें। माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक का बर्तन सिर्फ 2 मिनट से कम कुकिंग या रीहीटिंग के लिए ही यूज करें। माइक्रोवेव पावर, कन्वेक्शन टेम्परेचर और कुकिंग टाइम नाप के हिसाब से अलग अलग होता है। ढक्कन ढकना है या नहीं, ये वीडियो के अनुसार ही करें। दूध से बनने वाली रेसिपीज के लिए बर्तन उतना बड़ा ले जो आधे से ज्यादा खाली रहे। अवन की नई रेसिपीज के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम रेगुलर बर्फी बनाएंगे। इसके लिए हम एक माइक्रोवेव सेफ ग्लास बाउल लेंगे और इसमें ग्रेट किया हुआ मावा डालेंगे। इसे ढककर 30 सेकेंड के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव करेंगे। अब इसमें पीसी हुई चीनी और इलायची का पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। माइक्रोवेव में जब हम हाई पावर पर कोई ऐसी डिश बनाते हैं जिसमें पानी की मात्रा कम हो और शुगर डाली हो, तो शुगर कैरमलाइज हो जाती है। इसीलिए आज हम इसे हाफ पावर पर बनाएंगे। फिर इसे बिना ढके हाफ पावर पर 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। 1 मिनट बाद इसे एक बार निकाल कर चला लेंगे। हमें ऐसा 3 बार और करना है, यानी टोटल 4 बार 1-1 मिनट के लिए हाफ पावर पर माइक्रोवेव करना है। अब चौथी और आखिरी बार हाफ पावर पर माइक्रोवेव करने के बाद हम इसे निकालकर अच्छे से चला लेंगे। याद रखें, हाफ पावर करना जरूरी है वरना शुगर कैरमलाइज हो जाएगी। फिर एक ग्रीस की हुई ट्रे में इसे स्प्रेड करेंगे और ठंडा होने देंगे। अब इसी तरह से हम चॉकलेट बर्फी बनाएंगे। इसके लिए हम एक माइक्रोवेव सेफ ग्लास बाउल लेंगे और इसमें ग्रेट किया हुआ मावा डालेंगे। इसे 30 सेकंड के लिए ढककर हाई पावर पर माइक्रोवेव करेंगे। अब इसमें पीसी हुई चीनी और कोको पाउडर ऐड करेंगे। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब रेगुलर बर्फी की तरह इसे भी बिना ढके हाफ पावर पर 1-1 मिनट करके टोटल 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। याद रखें, हाफ पावर करना जरूरी है और 1-1 मिनट ही करें। इसे रेगुलर बर्फी के ऊपर स्प्रेड करेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ठंडा
ठंडा होने के बाद इसके स्क्वायर पीसेस करेंगे। तो लीजिए, हमारे व्यूअर्स डिमांड पर बनाई हुई मावा की डबल लेयर चॉकलेट बर्फी रेडी है। हमारी आज की ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और आपका एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।